प्रश्नावली 3 का 8वां प्रश्न, 7वां तक बना लिए थे, अब 8वां प्रश्न है। किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। किसी शंक्वाकार कप, कप के आकृति दी हुई है, शंकु के आकार का कप है इस प्रकार से, है ना, सो गोलाई में है थोड़ा सा, शंकु के आकार के, टोपी के आकार का कप है ना, उसमें आधार की परिधि, उस शंकुआकार कप की आधार की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये शंकुआकार कप का त्रिज्या हो जाएगा इस सेंटर से, और ये उसकी हाइट हो जाएगी ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना, 6 सेंटीमीटर दी हुई है हाइट, ऊंचाई उसकी, और इस शंक्वाकार कप की आधार है इसकी परिधि दी हुई है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, इससे हमें r मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा, है ना, तो हाइट मिल गई और त्रिज्या मिल गई, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस कप का आयतन। और इसी से पता चलेगा कि इसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है, अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है मतलब उसकी आयतन कितनी होगी, कितना कैपेसिटी होगा, ये हम इससे पूछा है कितना पानी इसमें रखा जा सकता है। तो उससे सबसे पहले इसका कप का आयतन निकालेंगे और उतना ही पानी इस कप में रखा जा सकेगा जितना इस कप का आयतन होगा, उससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, अधिकतम बोल रहे हैं ना, अधिकतम उतना ही पानी रखा जाएगा जितना उस कप का, शंक्वाकार कप का आयतन होगा, है ना। 8वां प्रश्न दिया है, शंक्वाकार कप की परिधि बराबर 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर और शंक्वाकार कप की ऊंचाई दी हुई है, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हमसे क्या पूछा है कि अधिकतम कितना पानी उस कप में, शंक्वाकार कप में हम रख सकते हैं, है ना। 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है ना, तो इससे हम r निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इंटू पाई का मान 22/7 इधर आके उल्टा हो जाएगा, 7 अपॉन 22, 22 22 कैंसिल आया, कितना r का वैल्यू 7 अपॉन 2। अब हम पता है प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोल रहे हैं कि कितनी पानी, कितना पानी हम उस शंक्वाकार कप में रख सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि पानी का आयतन हमें निकालना है ना, तो पानी का आयतन उस शंक्वाकार कप के आयतन के बराबर होगा, अतः प्रश्नानुसार पानी का आयतन कैपेसिटी या फिर, है ना, बराबर शंक्वाकार कप का आयतन, बराबर शंक्वाकार कप का आयतन, कप का सॉरी शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसे हमें पानी का आयतन, कितना पानी उसमें भरा जा सकता है वो मिल जाएगा, अगर शंकु का आयतन मिल गया तो, है ना, शंक्वाकार कप का आयतन 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना मिला, 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट है 6, आर स्क्वायर, इस वजह से 7/2 दो बार लिखे, 7 और 7 कैंसिल और 2×1=2, 2×2=11, 22,
दो एक काम दो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, और ये और दो, ये दो कैंसिल, और 7 बजे, और 11, 11 सत्ते 77। आयतन निकाल रहे हैं ना, और किसमें है ये, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब, 77 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया पानी का आयतन, या फिर उस शंक्वाकार कप में कितना पानी हम रख सकते हैं, उसकी कैपेसिटी। ठीक, अतः आंसर में लिखेंगे, अतः उस शंक्वाकार कप में अधिकतम 77 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 77 वर्ग सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है ना, 77 सेंटीमीटर क्यूब तक पानी भरा जा सकता है शंक्वाकार कप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 8वां प्रश्न के बाद 9वां प्रश्न। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है, उसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ है जो कि बेलनाकार है, उसकी त्रिज्या हुई है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, को पिघला कर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर होगी। उसी धातु को पिघला करके हमें शंक्वाकार शंकु के आकार के क्या बनाना है, शंकु बनाए बनाना है, शंकु की आकृति के कोण बनाना है, एक से अधिक बनेंगे, है ना। लेकिन उसी धातु को पिघला करके बना रहे हैं, अतः सभी शंकुओं को मिला करके कितने शंकु बन रहे हैं ना, तो कितने, जितने भी शंकु बनेंगे, 4 या 5 या 6, जितने भी शंकु बनेंगे, उन सभी शंकुओं का आयतन उस बेलनाकार छड़ के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी बेलनाकार छड़ को पिघला करके हम शंकु बना रहे हैं, है ना। तो कितने शंकु बना सकते हैं ये हमें निकालने के लिए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि दोनों में, दोनों का आयतन समान होगा, उस छड़ का और शंकु, जितने शंकु बनेंगे सभी शंकुओं को मिला करके, है ना। तो जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, दिया गया है एक छड़ दी हुई है, एक धातु की मेटेलिक छड़ दी हुई है, इस छड़ की ऊंचाई हाइट है 1 मीटर और इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। बेलनाकार छड़ के लिए क्या क्या डाटा दी हुई है, उसकी हाइट ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर, इज इक्वल टू, 1 मीटर को सेंटीमीटर का चेंज करना चाहे तो क्या मिलेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा, और इसकी त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, है ना, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से शंकु के आकार के जितने भी कोण बनने वाले हैं, उन कोने के लिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है, कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 2.1 सेंटीमीटर, और रेडियस मतलब कि त्रिज्या होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर।
शंकु के लिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है। हाइट होनी चाहिए 2.1 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर इज इक्वल टू होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया शंकु के लिए और ये हो गया बेलनाकार छड़ के लिए, डाटा दिया हुआ है। अब कितने छड़ बनाने हैं वो हमें निकालना है, कितने शंकु बनाना है ना। तो शंकुओं की संख्या को हम मान लेते हैं, माना कि कुल n शंकु बनाने हैं। शंकुओं की संख्या कितनी हो गई, माना कि n शंकु बनाने हैं ना, अतः शंकुओं की संख्या हो गई n, मान लिए। अब जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है कि किसी आकृति को पिघला करके जब कुछ दूसरी आकृति बनती है तो दोनों में वॉल्यूम सेम रहता है ना, दोनों का आयतन सेम रहता है। तो जितने भी शंकु बनेंगे सभी का आयतन मिला करके उस छड़, उस धातु के छड़ के आयतन के बराबर होगा, है ना। तो n नंबर्स ऑफ कोन इंटू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम नहीं बोल के आयतन, है ना, एन नंबर्स ऑफ कोन इंटू आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, जितने भी शंकु बनने वाले हैं उन सभी शंकुओं का आयतन किसके बराबर होगा, उस बेलनाकार छड़ के आयतन के बराबर होगा। अब हमें इसी n का मान निकालना है, जितने शंकु बनने वाले हैं उन शंकुओं की संख्या निकालनी है ना। तो इन शंकुओं की संख्या, शंकुओं का की संख्या की टोटल आयतन है ना, सभी शंकुओं की शंकुओं की आयतन किसके बराबर होगा, उस बेलना का छड़ के आयतन के बराबर होगा। n निकालना है तो शंकु का आयतन को बेलना का छड़ के आयतन के अपॉन में ले जाते हैं, बेलना का छड़ के आयतन बटे शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन और बेलना का आयतन के लिए दो अलग अलग फॉर्मूला होता है ना। बेलना का आयतन के लिए जो रेडियस और हाइट दिया हुआ है उसको हम ले लेते हैं h1 और r1, और शंकु के लिए जो आयतन दिया हुआ है उसको ले लेते हैं h2 और r2। ठीक, बेलनाकार छड़ का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलनाकार धातु की आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो r1 h1 बेलन के लिए डाटा है 1 के रूप में, है ना, और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। r2 और h2, ठीक। पाई और पाई कैंसिल, पाई और पाई यहाँ पर से कैंसिल हो गया। अब 1/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 इंटू r1 स्क्वायर और h1 हो जाएगा, ऊपर जाके है ना, अपॉन में है तो ऊपर में गुणा हो जाएगा। शंकु के लिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है, r1 की वैल्यू कितनी है, 3.5 इंटू 3.5 दो बार है ना, r1 के स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी हुई है, h 100 है, और 3 ऊपर जाके 1/3 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, है ना, इंटू 3। r2 मतलब कि शंकु का जो डाटा दिया हुआ था, है ना, तो r2 इज इक्वल टू शंकु के लिए क्या दिया हुआ था, त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, त्रिज्या जो शंकु बनेंगे उसकी 1 सेंटीमीटर, और h2 कितनी दी हुई थी, 2.1 सेंटीमीटर, है ना। r2 1 सेंटीमीटर का 1 स्क्वायर है ना, तो 1 × 1 × h2 कितना है, 2.1। अब सॉल्व करते हैं,
इस पॉइंट को अगर हटाया जाए तो 100 के बाद एक और जीरो लग जाएगा। इस पॉइंट को अगर हटाया जाए तो, है ना, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 कैंसिल। ये दोनों पॉइंट को अगर हटाया जाए तो इधर अपॉन में इंटू 100 हो जाएगा। दोनों पॉइंट को हटा दिया जाए, है ना, तो 2 जीरो लग जाएगा नीचे में। 7 एकम 7, 7 पंच 6, 35। अब 35 को 5 से गुणा करना है और ये 100 और इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 10 बचा है और 35 बचा है और 5 बचा है ना, तो 35 इंटू 5 इंटू 10। 35 से 5 को इंटू करके फिर उसके बाद लास्ट जितना आएगा उसमें लास्ट में 0। 35 इंटू 5, 5 पंच 6 25 की 5, हसीन में आगे 2, 5 दिया 15, 15 16 17 175, 1 जीरो लास्ट में लगेगा, है ना। तो 1750 शंकु बन के तैयार होंगे। उस धातु के बेलनाकार धातु को अगर हम पिघलाएंगे तो हमें कितना के रेडियस और कितना 1 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट 2.1 सेंटीमीटर वाली हाइट की 1750 शंकु बनकर तैयार होंगे, है ना। यही हमारा आंसर है। बस एक फ़ायदा रहता है ऐसे क्वेश्चन में कि दोनों का आयतन हमारा बराबर एक दूसरे के इक्वल में होगा। अब उसके बाद नंबर्स पूछेंगे या फिर उसका कितना क्वांटिटी बनेगा, कितना आयतन निकलेगा ये पूछेगा, तो उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा बेलन के आयतन को निकालेंगे तो हमें शंकु का आयतन मिल जाएगा, है ना, जिस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते इसके बाद 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न, 2 प्रश्न और बचे हैं इस प्रश्नावली में। 10वां प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे।